नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कई लोग बार बार बीमार होते हैं, बिना किसी कारण के बीमार होते हैं और तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद उसका कोई निदान नहीं निकल पाता, वो बीमारी सुलझ नहीं पाती, समझ में नहीं आती। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ज्योतिष में इसके कुछ उपाय हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है कि आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। पंडित जी, अगर आपको बीमारियों का वहम रहता हो, बीमारी नहीं होती हो लेकिन आपको लगता है कि आपको ये बीमारी हो सकती है, वो बीमारी हो सकती है, बीमारी का वहम लगा रहता हो, तो सलाह लेकर के या तो एक पन्ना पहन लीजिए या एक चांदी का कड़ा दाहिनी कलाई में पहन लीजिए। पन्ना पहनने से या चांदी का कड़ा पहनने से आपको जो बीमारियों का वहम रहता है वो वहम दूर हो जाएगा। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं, तो 19 मार्च का पंचांग पंडित जी से समझिए। दिनांक 19 मार्च 2024, दिन मंगलवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, रात के 8:10 तक चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर 1:37 तक राहु काल का समय दोपहर 3 से लगभग 4:30 तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम बार बार बीमार होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं कि क्या इसके पीछे भी कोई ग्रह हो सकता है। पंडित जी, जी बहुत सारे लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, लगातार बीमार पड़ते हैं, एक बीमारी जाती है दूसरी बीमारी आती है, तो लगातार बीमार होने के पीछे दरअसल कौन से ग्रह होते हैं? कुंडली का जो लग्न है पहला खाना है और लग्न का जो स्वामी है ये व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देता है। इसके कमजोर होने से स्वास्थ्य का संतुलन बिगड़ जाता है। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य शरीर को और चंद्रमा मन को बेहतर बनाए रखते हैं। सूर्य के कमजोर होने पर व्यक्ति को शारीरिक समस्याएं होती हैं, शरीर में दिक्कत होती है और चंद्रमा मन की समस्याएं बढ़ा देता है। इसके अलावा आपकी कुंडली जिस तत्व की है वो तत्व पर्याप्त मात्रा में कुंडली में होना चाहिए, और अगर वो तत्व कुंडली में पर्याप्त मात्रा में है तो आप स्वस्थ रहेंगे। तत्व अगर कुंडली का बिगड़ गया तो अलग अलग समस्याएं रोज रोज आपको परेशान करेंगी, यानी लग्न, लग्न का स्वामी, सूर्य और चंद्रमा और सबसे अंत में एलिमेंट यानी तत्व, इन तमाम चीजों को मिला करके आप देख सकते हैं और एक जानकारी पा सकते हैं कि अगले व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है या उसको स्वास्थ्य में किस तरह की समस्या है। तो चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे आगे और विस्तार से, लेकिन उसके पहले अब राशिफल की भी शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानिए पंडित जी से।
मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, वाहन सावधानी से चलाइएगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, कर्ज सरलता से चुका सकेंगे। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे लगातार बीमार रहने वाले लोग कुछ उपाय करके बीमारियों से बच सकते हैं। ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है, कैसे अलग अलग ग्रहों का संबंध हो सकता है लगातार बीमार रहने से, ये पंडित जी ने बता दिया। लेकिन कुछ और भी वजहें हो सकती हैं जिसके कारण आप लगातार बीमार रहते हो। कौन सी है वजह, जानते हैं। बीमार रहने के पीछे ग्रहों की वजह तो होती ही है। आपके शरीर का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, कौन सा ग्रह कहाँ असर डाल रहा है, ये तो बात है ही। लेकिन इसके अलावा कुछ और वजह भी है। जैसे अगर आपके घर की तरंग ठीक ना हो, यानी आपके घर के वाइब्रेशन ठीक ना हो, तो घर में रहने वाले लोग बीमार हो जाते हैं। घर में नियमित रूप से अगर कलह कलेश होता हो तो घर में बीमारियां बहुत आती हैं, लोग बीमार होते हैं। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक कष्ट देते हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपका खुद का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप लगातार बीमारियों के बारे में सोचते रहते हैं, सर दर्द हुआ तो ब्रेन ट्यूमर है, छाती दर्द हुई तो हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर आप लगातार बीमारियों के बारे में सोचेंगे तो भी आप बीमार बड़े रहेंगे। बहुत बार कोई गलत मंत्र जप आप कर रहे हैं, जो मंत्र आपके लिए सूटेबल नहीं है, आप कोई गलत मंत्र जप कर रहे हैं या आपने जाने अनजाने कोई गलत रत्न पहन लिया है, तो इसकी वजह से भी आप बीमार पड़ सकते हैं। यानी बीमारी के लिए ग्रहों के अलावा और भी कारण जरूर होते हैं जिन वजहों से व्यक्ति बीमार पड़ता है। तो आपने बीमार रहने के तमाम कारण जान लिए हैं, लेकिन अब उससे बचने के उपाय क्या हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल जान लेते हैं। पंडित जी, कर्क राशि, मानसिक तनाव की स्थिति जीवन में बनी हुई है, परिवार में अशांति हो सकती है, दोपहर के बाद स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें
तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में नई शुरुआत हो सकती है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में आपके लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, खरीदारी में मार्केटिंग में व्यस्त रहेंगे। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को अच्छा बना सकते हैं वो रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए यूं ही राशियों पर बातचीत करते रहेंगे, चर्चा भी जारी रखेंगे, उसके पहले अब आपके सवालों का रुख करते हैं। तो शो में पहला सवाल कहां से आया है इस बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न एमपी गुप्ता जी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 23 मार्च 1990, 10:45 प्रातः, जन्मस्थान है दिल्ली। ये कह रहे हैं कि हाल में ही मेरे बेटे का डिवोर्स हुआ है, उसका दूसरा विवाह कब होगा और दूसरा विवाह कितना सफल होगा। देखिए गुप्ता जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और राशि बनती है मकर, महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है केतु की। आपके पुत्र के दूसरा विवाह होने का समय साल 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में है। 2025 के मार्च के पहले पहले इनका विवाह हो जाएगा, ये संभावना कुंडली में बनती है। और दूसरा विवाह इनका कुल मिला जुला के सफल होगा, उसमें कोई बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। आपके पुत्र की कुंडली में अमावस दोष है, अमावस दोष की शांति करवाइए। दूसरा, अपने पुत्र को एक ओपल बनवा करके पहनाइए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल उन्हें पहनाएं और दूसरा उनसे बोलिए कि रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो बेहतर होगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखें, आगे बढ़ते हैं और दूसरे सवाल का रुख कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो बिना देर किए हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पंडित जी, अगला सवाल कहां से आया है? जी, अगला प्रश्न प्रीति कुमारी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं, 4 मार्च 2001 का जन्म है, 4:10 शाम को, हाथरस उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मैंने इलेक्ट्रिकल से आईटीआई किया है, क्या मैं सरकारी नौकरी में जा पाऊंगी, मेरा भविष्य कैसा रहेगा। प्रीति, आपने पढ़ाई बिल्कुल सही की है, टेक्निकल फील्ड आपके लिए बिल्कुल ठीक है और तकनीकी क्षेत्र में अगर आप कोशिश करें तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, लेकिन अभी उसमें 2 साल का समय है। 2026 में
आपके गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना बनती है, रेलवे में, बिजली विभाग में, ट्रांसपोर्ट में, ऐसे किसी क्षेत्र में आप गवर्नमेंट जॉब पा जाएंगी। फिलहाल आप ऐसा करें प्रीति जी कि आपको बेहतर नौकरी मिले और करियर अच्छा रहे, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहनिए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके धारण कर लीजिएगा। और दूसरा काम करिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ भी करिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो पंडित जी, जब हम बीमारियों को लेकर चर्चा कर रहे हैं तो बुजुर्गों के बाद सबसे ज्यादा बीमार बच्चे होते हैं, तो क्या बच्चों को बीमारियों से बचाने का, या वो लगातार बीमार रहते हों, उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो, इसके लिए कुछ खास उपाय कर सकते हैं? जी देखिए, कोई भी बच्चा जन्म से लेके 12 साल तक, उसमें भी पहले 8 साल तक सबसे ज्यादा प्रभावित होता है चंद्रमा से। इसीलिए अगर बच्चे की कुंडली में चंद्रमा गड़बड़ है, गंडांत के इलाके में है, मृत्यु भाग में है, 6, 8, 12 में है, विष घटी में पड़ा हुआ है, चंद्रमा अच्छा नहीं है अगर, तो बच्चा बीमार बचपन में जरूर रहेगा और पहले 8 साल तक तो बहुत ही बीमार रहेगा, 12 साल के बाद ही स्वस्थ होना शुरू होगा। और अगर कोई बच्चा बार बार बचपन में बीमार होता है, फ्रीक्वेंटली बीमारी रहती है, आंख मूंद के जान लीजिए चंद्रमा अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में एक तो बच्चे के गले में एक चांदी का अर्धचंद्र लाल धागे में या सफेद धागे में डाल करके गले में पहना देना चाहिए सोमवार की रात को। और अपने घर में आप कोशिश करिए कि एक चांदी का गिलास आप रखें, जब भी आपका बच्चा पानी पिए, दूध पिए, जूस पिए, चांदी के पात्र का, चांदी के गिलास का प्रयोग करे तो ऐसा करने से वो स्वस्थ रहेगा। और तीसरा, जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हों, उन्हें ज्यादातर पीले और नारंगी रंग के वस्त्र पहनाइए, इससे भी उनकी इम्यूनिटी बेहतर होगी। तो देखिए, पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं, ज़रूर इनको आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको जल्द फ़ायदा हो। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे अगर कोई लगातार बीमार रहता है तो ग्रह नक्षत्रों से इसका नाता हो सकता है, उससे बचने के उपाय भी जानेंगे। पंडित जी ने अब तक कुछ जानकारी हमें दी है, लेकिन कई बार व्यक्ति लगातार स्वस्थ भी रहता है, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य कब बेहतर रहता है, वो कौन से ग्रह नक्षत्र हैं, कौन सी स्थितियाँ हैं कुंडली की, अब इस बारे में पहले जानते हैं। कुछ लोगों का स्वास्थ्य हमेशा बेहतर रहता है, उन्हें किसी तरह की समस्या नहीं होती। तो व्यक्ति का स्वास्थ्य कब बेहतर होता है? मंगल किसी भी व्यक्ति के जीवन के और कुंडली के सुरक्षा का स्वामी है। इसी के कारण मंगल की वजह से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम आपका मजबूत होता है। व्यक्ति छोटी छोटी बीमारियों से आसानी से निकल जाता है। इसके अलावा बृहस्पति भी अगर मजबूत हो, खासतौर से लग्न में बैठा हो, पाप प्रभाव में ना हो, तो भी व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है। हाथ में जीवन रेखा और मंगल रेखा भी अगर मजबूत हो तो व्यक्ति सामान्यतः स्वस्थ रहता है। घर की तरंगे अगर बहुत अच्छी हैं तो उसमें रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। देखिए, मुख्य बात ये समझिए, आपका मन मजबूत है, उसकी वजह से शरीर मजबूत है, और शरीर की वजह से जीवनचर्या आपकी ठीक है। अगर ये चीजें ऑटोमेटिकली आपकी ठीक हैं तो आप सामान्यतः स्वस्थ बने रहेंगे। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि स्वास्थ्य के लिए घर के माहौल का, मन का बेहतर होना जरूरी है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसका अगर ध्यान रखा जाए तो आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। कुछ और उपायों की चर्चा करें, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या है, इस बारे में पंडित जी से जानकारी ले लेते हैं। तुला राशि, धन लाभ के योग फिलहाल आपके लिए बन रहे हैं।
करियर में आपके सुधार होगा, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में शांति रखें। हालांकि दोपहर बाद शाम तक आपको धन का लाभ भी होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। धनु राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब आखिर की तीन राशियां हैं जिसके बारे में आगे चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, यानी कि अगर आप लगातार बीमार रहते हो तो किन उपायों से आप खुद को ठीक रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। तो आपकी कुंडली के ग्रह ऐसे हैं, आपके घर का माहौल ऐसा है, आपकी स्थितियां परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप लगातार बीमार बने रहते हैं, कौन से उपाय से आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं। पहला काम, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाइए और जल चढ़ाने के बाद 2-4 मिनट 5 मिनट सूर्य देव की रोशनी में खड़े रहिए। सुबह और शाम कुछ समय, भले ही 5 मिनट, लेकिन पूजा उपासना में जरूर दीजिए। संगति आपकी कैसी है, आपके दोस्त यार कैसे हैं, आप क्या खा पी रहे हैं, अपने संगति और आहार पर विशेष ध्यान दें। किसी संत या महापुरुष के साथ कुछ समय जरूर बिताएं, ऐसा करने से शुभ तरंगों के प्रभाव से आप बेहतर हो जाएंगे। चंदन की सुगंध का नियमित रूप से प्रयोग करें, इससे भी आपको लाभ होगा। और सलाह लेकर के एक मूंगा या एक पन्ना अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सूर्य देव की उपासना, थोड़ी सी पूजा, मूंगे या पन्ने का प्रयोग और जीवन में थोड़ा सा अनुशासन अगर आप ले आते हैं तो आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। कहते हैं स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और उस धन को अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो इन उपायों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि की करते हैं चर्चा और जानते हैं इनके दैनिक राशिफल के बारे में। मकर राशि, काम इस समय आपका बढ़ा रहेगा, सेहत अच्छी बनी रहेगी, करियर में आपको सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है। जहां तक संभव हो आज किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर देंगे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाएंगे, शाम तक आते आते स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए एक बार फिर से आपके सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो शो में तीसरा सवाल कहां से आया है इस बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। जी अगला सवाल हिमानी मंडल ने हमें लिखा है, झारखंड से लिखती हैं। 15 जुलाई 1991 का जन्म है, 1:02 दोपहर में, जमशेदपुर झारखंड। ये पूछ रही है कि मेरा करियर कैसा रहेगा, विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा होगा। हिमानी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप शिक्षा क्षेत्र में टीचिंग जॉब में करियर बनाने की कोशिश करिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और जहां तक आपके विवाह का प्रश्न है, साल 2025 के आरंभ में आपका विवाह होने की संभावना बनती है। ऐसा हो सकता है कि आपका विवाह हो, लेकिन जब भी आप विवाह करें कुंडली मिला करके सोच समझ कर विवाह करिएगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहन लें, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहन लें और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात आप ये याद रखिए कि सरकारी नौकरी शिक्षा क्षेत्र में आप जरूर पा सकती हैं, उसके लिए अपना प्रयास बढ़ा दीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आखिरी सवाल का रुख करते हैं, लेकिन उसके पहले आप सबको एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो बिना देर किए हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो अंतिम सवाल पंडित जी, पूछा कहां से गया है? जी अंतिम प्रश्न संजू जी ने हमें पूछा है, राजस्थान से लिखती है ये। 17 दिसंबर 1999 का जन्म है, 9:15 प्रातः, श्री गंगानगर राजस्थान। ये पूछ रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में समस्या है, क्या मेरा विवाह चल पाएगा, भविष्य की संभावनाएं क्या हैं। संजू, आपकी कुंडली है धनु लग्न की और मीन राशि की, महादशा केतु की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है आपकी। देखिए ज्योतिष के हिसाब से इस विवाह का चल पाना बड़ा कठिन है। जिस शादी के बारे में आप पूछ रही हैं वो शादी नहीं चलेगी और उसमें डिवोर्स हो जाने की संभावना बनती है। दूसरी बात यह है कि आपका दूसरा विवाह साल 2025 के अंत में होना चाहिए आपकी अपनी इच्छा से। और अगर आप आगे पढ़ाई करें, पढ़ाई करके टीचिंग जॉब में जाएं या कानून के क्षेत्र में जाएं तो उसमें एक अच्छा करियर आप जरूर बना सकती हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मोती बनवा के पहन लें, लगभग 8 से 10 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार बृहस्पति मंत्र का जप करिए
ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके प्रभाव आपके लिए बेहतर होंगे। तो पंडित जी, आज हम स्वस्थ रहने के उपायों की बात कर रहे हैं और लोग क्यों बीमार रहते हैं ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, आपने कई बार चर्चा के दौरान कहा है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए भी ग्रह नक्षत्र थोड़ा अलग रोल अदा करते हैं। तो अगर कोई पुरुष बार बार बीमार रहता हो या कोई महिला बार बार बीमार रहती हो, तो क्या उसमें भी अलग अलग तरीके से हम इन दोनों के इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और क्या उपाय भी अलग हो जाएंगे? जी देखिए, पुरुषों की पूरी पर्सनैलिटी और पूरा स्वास्थ्य दो ग्रहों पर निर्भर करता है, सूर्य पर और शुक्र पर। किसी पुरुष की कुंडली में सूर्य और शुक्र की स्थिति ठीक ना हो, उसे नाना प्रकार की बीमारियां पकड़ेंगी। विभिन्न प्रकार की बीमारियां, विभिन्न प्रकार की समस्याएं उसे परेशान करेंगी, शरीर के हार्मोन से लेकर हड्डियों तक, हृदय से लेकर आंखों तक, और इन समस्याओं की वजह से व्यक्ति बीमार रहेगा। तो अगर कोई पुरुष बार बार बीमार हो रहा है, फ्रीक्वेंटली बीमार हो रहा है, तो उसे भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। उसे नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य भगवान का मंत्र है ओम घृणिहि सूर्याय नमः। ओम घृणिहि सूर्याय नमः, इस मंत्र का रोज जप करना चाहिए 108 बार सुबह जल चढ़ाने के बाद। और तीसरा जो सूर्य का गुण है, फल खाना, प्राकृतिक चीजें खाना, इनका सेवन करने से भी पुरुष स्वस्थ बने रहेंगे। महिलाओं के कॉन्स्टिट्यूशन का, महिलाओं के स्वास्थ्य के दो ग्रह हैं मुख्यतः, चंद्रमा और मंगल। मंगल महिलाओं के पूरे जीवन को कंट्रोल करता है और चंद्रमा उनके इमोशनल पार्ट को कंट्रोल करता है। तो चंद्रमा और मंगल का प्रभाव महिलाओं के जीवन पर ज्यादा होता है। तो अगर कोई महिला बार बार बीमार पड़ रही है तो उसे मंगल और चंद्र के उपाय करने चाहिए। सबसे पहले महीने में दो बार एकादशी आती है, दोनों एकादशी का उसे उपवास रखना चाहिए। दूसरा, नियमित रूप से हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़ना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि सफेद रंग की दिखने वाली चीजों का सेवन ज्यादा किया जाए, जैसे दूध दही, इनका प्रयोग थोड़ा सा ज्यादा किया जाए। तो अगर आप ये उपाय करें, आप पुरुष हो तो उसके अलग उपाय आपको बताए, आप महिला हैं तो उसके अलग उपाय आपको बताए, अगर आप ऐसा करें तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 19 मार्च को है। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, अब ये जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 19 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में सफलता मिलेगी, दूर स्थान पर आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, कर्ज की समस्याएं और आर्थिक समस्याएं आपकी हल होंगी, लेकिन साल के अंत में सेहत पर और दुर्घटनाओं पर ध्यान बनाए रखना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, प्रार्थना करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए अब बारी आज की जिज्ञासा की है। और जिज्ञासा में सवाल यह है पंडित जी कि कई लोग शोपीस के ही तौर पर लेकिन ताजमहल की प्रतिकृति घर में रखते हैं, लेकिन क्या यह सही है? ताजमहल का मार्बल से बना हुआ स्टैच्यू या ताजमहल का चित्र या छोटी सी मूर्ति लोग अपने घर में रखते हैं, क्या इसको रखना चाहिए? देखिए, ताजमहल कोई पवित्र स्थान या कोई पवित्र आकृति नहीं है, ये वास्तुकला का प्रतीक है, एक मकबरा है। मकबरे की आकृति को घर में रखना उचित नहीं है। हमारे धर्म में और हमारे संस्कारों में मकबरे की पूजा नहीं होती, और मकबरे को रखना भी सही नहीं है।
मकबरे में मृत व्यक्ति को दफनाया जाता है, तो ऐसे मकबरे का चित्र या इसकी आकृति रखना आपके लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं होगा। और अब जान लेते हैं 19 मार्च के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा होगा। पंडित जी, दिनांक 19 मार्च 2024 दिन मंगलवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा, आपके तमाम रुके हुए काम निश्चित रूप से पूरे होंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 19 मार्च मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुडलक राशि के बारे में, जो कि है सिंह। और सिंह राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी देंगे आज? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में दुर्घटनाओं की, चोट चपेट की संभावना कैसी होती है। आज की गुडलक राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को चोट लगने की और दुर्घटना की संभावना बहुत होती है। अगर आप चोट से परेशान हैं, बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, सिंह राशि है आपकी, तो नियमित रूप से सूर्य भगवान की पूजा करिए, आपको लाभ होगा। और अब जान लेते हैं पंडित जी से वो महा उपाय जो आप सबके लिए महा फलदायी भी होता है। तो पंडित जी आज क्या है महा उपाय में खास? जी, घर में जितने भी लोग रहते हैं सबका करियर अच्छा हो, सबका रोजगार बेहतर हो, क्या करेंगे? अपने घर में थोड़ी सी मिट्टी गौशाला की, थोड़ी सी मिट्टी मंदिर की और थोड़ी सी मिट्टी किसी बागीचे की ले आकर के गमले में रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं, घर में रखते हैं, तो घर में रहने वाले सभी लोगों का स्वास्थ्य और करियर बेहतर होता है। और मिट्टी जब बहुत पुरानी हो जाए, 2-4 साल हो जाए, तो पुरानी मिट्टी हटा करके नई मिट्टी लाके रख दीजिएगा। लेकिन आप इसको रखेंगे और साथ में नियमित रूप से माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी और ये तमाम उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप लोगों से मुलाकात करते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर हमारी चर्चाएं भी जारी रहेंगी। फिलहाल शो में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।